दोस्तों, क्या आपके भी लैपटॉप या कंप्यूटर में ड्राइव को बढ़ाना है? मतलब एक ही ड्राइव में पूरा डेटा रहता है, जैसे सी या डी ड्राइव, दो ही ड्राइव है आपके, या फिर सिंपल एक ही है, 1 TB या 2 TB का पूरा एक ड्राइव है, और उसको जो है वो अलग अलग बांटना है, मतलब 200 GB 300 GB का एक एक ड्राइव करना है। तो उस ड्राइव को किस तरह से बढ़ाते वो पूरा जो स्टेप है इस वीडियो में एकदम प्रॉपरली दिखाने वाला हूँ, और उसका जो कैलकुलेशन करके कौन सा ड्राइव कितने अमाउंट लेके बढ़ेगा ये भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसके लिए ये वीडियो आखिर तक देखो, और वीडियो से ड्राइव प्रॉपरली आपके बन जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। तो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 10 है, और आपका जो 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 8.1 भी हो सकता है। ये जो ट्रिक है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाले। तो चलो हम सबसे पहले जो दिस पीसी नाम है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो उसके पहले हम ड्राइव देख लेते हैं कि हमारे ड्राइव में पार्टीशन अभी एक ही है। देखो 237 GB का है आपका, 1 TB का भी हो सकता है या फिर 500 GB का भी हो सकता है। तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे आना है। हर किसी का दिस पीसी नहीं आएगा, आपका माय कंप्यूटर भी हो सकता है, तो आप माय कंप्यूटर पे करो। ये देखो ओपन होने के बाद डिस्क मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, और इधर हमारे जो एक हार्ड डिस्क है वो दिख रही है आपकी। अगर डबल हार्ड डिस्क होंगे तो दो हार्ड डिस्क दिखेंगे, जैसे मेरी तो 8 की हार्ड डिस्क है, तो एक हार्ड डिस्क दिख रही है और उसमें एक जो सी ड्राइव है वो दिख रहा है। तो उसके ऊपर अभी हमको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सिंपल जो नीचे श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, तो श्रिंक वॉल्यूम करना है, और इधर एक अमाउंट फिलअप होंगी, तो अमाउंट आपको समझ में नहीं आएगी, तो एक कैलकुलेशन करके हमें जो ड्राइव है वो बढ़ाना पड़ता है। ये देखो लोडिंग हो रहे हो, उसके बाद ये देखो इंटर द अमाउंट स्पेस इन श्रिंक इन MB, ऐसा करके ऑप्शन के आगे एक अमाउंट है, तो उस अमाउंट को हमें कैसे बदलना है। तो अगर आपको 2 या 3 ड्राइव करना होगा तो उस अमाउंट डाल के डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे तो 2 ड्राइव हमारे क्रिएट होंगे, एक सी और डी, और डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 3 ड्राइव क्रिएट होंगे, सी डी। तो आपकी जितने ड्राइव बढ़ाने हैं तो अमाउंट डाल के वो आप बढ़ा सकते हैं, सिर्फ डिवाइड करना है उसको। नहीं तो ये जो अमाउंट रहता है, अगर आपको 100 GB या 200 GB बढ़ाना है तो किस प्रकार से बढ़ेंगे, अगर जैसे 1000 MB मतलब होता है 1 GB, तो 10,000 MB का होगा 10 GB, वैसे ही 1 लाख MB करोंगे तो होता है 100 GB। तो आपको अगर 100 GB का करना है तो 1 लाख MB का बनाओ, और इधर जैसे मैंने 1 लाख MB किया तो इधर 97 GB की एक वॉल्यूम क्रिएट होंगे, पूरी 100 नहीं आएगी, थोड़ा 1-2 GB कम ज़्यादा होगा। अगर आपको पूरी क्लियर चाहिए तो आपको 1 लाख 5 हज़ार या 1 लाख 6 हज़ार करना है, फिर 100 आएंगी। और वैसे आपको 400 GB का चाहिए तो आप 4 लाख भी अमाउंट डाल सकते हो, या फिर 450 का चाहिए तो 4,50,000 डाल सकते हो। जैसे मेरे 100 GB के जो वो ड्राइव बढ़ गए, आपकी भी अगर ड्राइव बढ़ गए होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।